हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या फीचर नए ऐड होते हैं मोबाइल के अंदर। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, साइड में दिख रहे बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है Y20G। ये देखिए नीचे की तरफ आपको मॉडल दिख रहा होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल के अंदर अभी अपडेट आ रखा है, सिस्टम अपडेट। यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ ये, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ आपको जो है एक अलग ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि इस पर एक लिखा मतलब अपडेट आ रखा है। कोई भी अगर किसी भी एप्लीकेशन कोई मैसेज आता है, कोई भी चीज़ आती है तो ऊपर ही दिखा देता है। तो अभी इस पर क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर ऐड होने वाले इसमें। तो जैसे आप लोग कोई सा मोबाइल हो उसमें अगर जब सिस्टम अपडेट आता है तो इसके अंदर इस तरह से लिखा होता है। जैसे इसके अंदर लिखा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से में ये ऐड कर रहे हैं ये लोग, आप लोग देख सकते हैं। और सेटिंग में ये लोग ये ऐड कर रहे हैं, जैसे सेफ्टी इमरजेंसी फीचर ऐड करेंगे इसके अंदर। एक्स्ट्रा डिम मोड, जैसे कि अभी मेरी ब्राइटनेस में थोड़ी हाई रहती है पूरी डिम करने के बाद, बिल्कुल कम करने के बाद भी, तो ये लोग क्या करेंगे उसको और डिम कर देंगे, जिससे कि रात को मोबाइल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आए। और उसके बाद इसमें ये लोग डार्क मोड ऐड करेंगे और वाईफाई नेटवर्क जो इसमें एनेबल करेंगे नियर बाई में। जब आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो वाईफाई इसमें चलता नहीं है, तो इसमें ऐड करने वाले हैं। और सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर में आप लोगों को बता ही दिया। इमरजेंसी अप्रोक्सीमेट जो इसका लोकेशन है उसको थोड़ा हाई करेंगे, जैसे कि इसमें सर्वर होता है उसको हाई कर देंगे थोड़ा। और उसके बाद इसमें आप लोग देख सकते हैं जो जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर अगर लोकेशन का ज़रूरी है, चाहे मतलब जैसे कि परमिशन देना ज़रूरी है लोकेशन का, तो ये ऑटोमेटिक उसमें परमिशन दे देंगे। और जिसमें ज़रूरी नहीं है वो ऑटोमेटिक उसको डिसेबल कर देंगे, और जिस ज़रूरी है उसको एनेबल कर देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से अपडेट में आती रहती है। जब भी आप लोग अपडेट करें तो उसमें ये चीज़ें देख लें कि ये फीचर आपके मोबाइल में ऐड होने वाला है। ये पता नहीं चलता हमें कि जैसे फ़ोन जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, हल्का सा इसमें फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा स्मूथ चलने लग जाता है, जैसे कि हैंग नहीं करता। लेकिन ये जो चीज़ें ऐड होती है हमें दिखती नहीं है, ये सिर्फ आप लोग अगर यहाँ पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें ऐड होने वाली है। नीचे की तरफ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे इसमें आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, कोई भी चीज़ सेटिंग इसमें चेंज नहीं होगी। जो सेटिंग आपकी है वो ऑलरेडी HD बनी रहेगी, लेकिन इसमें नई चीज़ें ऐड होती है वो आपको इसमें लिखी होती है अलग से। जैसे इसमें लिखा है सेटिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो रही है। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ डाउनलोड मोड पर। अभी मेरा मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है मेरे दूसरे मोबाइल से, तो ये अपडेट होता है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको एक और दूसरी चीज़, अगर आप मोबाइल को अपडेट नहीं करते तो क्या क्या दिक्कत आती है। अगर आपके पास मोबाइल सैमसंग का है तो सैमसंग मोबाइल सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये मोबाइल आवाज़ करना बंद, जैसे उसका साउंड रिंगर वो बंद हो जाएगा, रिंगर की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। और बहुत सी बार तो आवाज़ अगर फ़ोन आ रहा है आपका रिंगर, मतलब जैसे कि रिंगटोन बज रही है, आपको पता होगा वो रिंगटोन धीरे 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 कम हो जाएगी, बिल्कुल एक टाइम आएगा बंद ही हो जाएगी। आपको लगेगा स्पीकर ख़राब है, अरे स्पीकर ख़राब नहीं है उसका, उसकी दिक्कत ये आ रही है कि आप उसको अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हर इंसान का अपडेट होना ज़रूरी है, उसी प्रकार से मोबाइल भी एक डिवाइस है, इसको भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती है, इसको भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो कि इसको हमेशा संभालता रहता है। जैसे कि अब अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग PC यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो एक विंडो जो डालते हैं उसमें एक टाइम होता है, विंडो एक टाइम होता है जब वो करप्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें भी हर चीज़ में एक मुखिया होता है। उसी प्रकार से इसका भी एक सिस्टम है, ये सिस्टम अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिस्टम अपडेट ही नहीं करेंगे तो ये मोबाइल चलेगा कैसे, हर बार सिस्टम अपडेट करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर करवा दिया है फोन, जैसे कि आप बहुत सी बार क्या होता है हम लोग लॉक तोड़वाते हैं मोबाइल का, तो सॉफ्टवेयर करवाने के बाद क्या होता है वो कभी अपडेट आता ही नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है जहाँ तक इसको सॉफ्टवेयर करवाइए मत, क्योंकि सॉफ्टवेयर करवाने के बाद भी वारंटी अवॉइड हो जाती है, मतलब कि इसकी वारंटी जो होती है मोबाइल की वो हट जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका मोबाइल सच में अगर लॉक हो चुका है तो उसको कोशिश करिए कि केयर के पास जाकर के कस्टमर केयर के पास संपर्क करिए, बिल ले जाइए, वहाँ से अनलॉक करवाइए। क्योंकि अगर आप लोगों ने खुद से कहीं से भी लोकल शॉप से करवाया, जैसे हम भी करते हैं वो सर मोबाइल, उसमें क्या है कि उसकी वारंटी अवॉइड हो जाती है, जो कि आपको वारंटी पीरियड वहीं ख़त्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल खुलने के बाद ही वारंटी खत्म होती है, इसका लॉक तोड़ दिया तो वो भी वारंटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें नया सॉफ्टवेयर चढ़ जाता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें इसमें डिलीट हो जाती है। जो कस्टमर केयर होता है उसके पास कोई डाटा बचता ही नहीं है, तो वो नहीं बचता, तो फिर अगर भविष्य में कोई दिक्कत आती है 1 साल के अंदर अंदर, तो वो आपको मोबाइल ठीक भी नहीं करेंगे वापस। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, मोबाइल अपडेट करने का हमेशा ध्यान रखना है, और क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही है वो आपको सिस्टम अपडेट करेंगे वो वहीं पे पता चल जाए, जैसे इसमें अभी लिखी है। और अगर अपडेट नहीं करे वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या दिक्कत आती है। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए कि अब मोबाइल को अप टू डेट रखिए ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।